हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चरहट की हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं फेंग शुई का एक टिप्स। फेंग शुई के अनुसार क्यों मानी जाती है जापानी बिल्ली इतनी ज्यादा शुभ और लकी, आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। एक तरफ जहां भारत में बिल्ली को अपशकुन माना जाता है, तो वहीं फेंग शुई में जापानी बिल्ली को सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई में लोग अपने घरों और दुकानों पर लाफिंग बुद्धा, विंड चाइम और क्रिस्टल रखने के अलावा लोग अपने घरों पर लकी कैट भी रखते हैं। फेंग शुई के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लकी कैट रखने आने वाले जो लकी कैट को रखते हैं उनके ऊपर जो भी संकट आने वाला होता है वह टल जाता है। लकी कैट का एक हाथ खड़ा हुआ रहता है जो कि लगातार हिलता रहता है। इस लकी कैट को मनी कैट भी कहते हैं जो कि जापान से आई है। इस जापानी बिल्ली के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है, आइए हम आपको बताते हैं। जापानी मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है, धन के देवता नगर के भ्रमण पर थे, तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। इस बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक पेड़ का सहारा लेकर उसके नीचे खड़े हो गए। तभी उनकी नजर कोने में बैठी बिल्ली पर पड़ी जो उन्हें हाथ हिलाकर बुला रही थी। बिल्ली के बुलाने पर धन के देवता वहां उसके पास चले गए। तभी बिजली गिरने से वह पेड़ टूटकर तबाह हो गए। जिसके नीचे वह देवता खड़े थे अंतिम समय पर बिल्ली के बुलाने की वजह ले धन के देवता की जान बची। इसके बाद बिल्ली के मालिक को उन्हें अमीर बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद बिल्ली की मौत हो गई। इसके बाद उसके मालिक ने बिल्ली को दफना दिया और उसकी याद में मानकी निको नाम की एक हाथ हिलाने वाली बिल्ली की मूर्ति बनाई। इसके बाद से संकटों से बचने के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए हाथ हिलाने वाली बिल्ली की मूर्ति घर घर में रखी जाने लगी। फेंग शुई के अनुसार लकी कैट कई रंग में मिलती है। रंग के अनुसार इसके फल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं किस रंग की बिल्ली को रखने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों पहला है आर्थिक तरक्की पाने के लिए घर और दुकान पर सुनहरे पीले रंग की बिल्ली रखनी चाहिए। दूसरी चीज लगातार पैसा प्राप्त करने के लिए नीले रंग की बिल्ली रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे भगवान कुबेर की दिशा दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए। तीसरी चीज अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए हरे रंग की बिल्ली को उत्तर पूर्वी दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है। चौथी चीज अगर घर पर लाल रंग की बिल्ली दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी जाए तो इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और कभी भी झगड़े आदि नहीं होते। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आखिर इस जापानी बिल्ली को घर में किस कलर में रखना चाहिए और इसके पीछे की क्या कहानी है वह भी आपको बताई। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।